इस गाड़ी में थोड़ा सा एक्सीलेशन हार्ट की प्रॉब्लम है। आ जाओ सर इधर, आप भी आओ, आप भी आओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत आ रही है आपकी गाड़ी में? वो एक्सीलेट करते टाइम उतना तो नहीं, लेकिन आइडलिंग में हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है। बस तो आइडलिंग में हल्का सा वाइब्रेशन होता है, उसके लिए गाड़ी नई गाड़ी है, एक साल पुरानी है, मात्र 17,000 अप्रोक्स चली हुई है ना। हाँ, लेकिन किसी और को बोलेगा वो गाड़ी ठीक ही तो चल रही है, लेकिन मेरे को फील होता है कि हाँ एकदम स्मूथ नहीं चल रही है गाड़ी। स्मूथ चलने में ट्राई लेके आया अभी जस्ट, पर हल्की सी है, वो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर ही जान पाएगा, वरना हर किसी के पास का नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? और ये मैंने देखा थ्रोटल बॉडी के में क्लीनिंग से हो जाएगा जी, कि थ्रोटल बॉडी क्लीन, इनको भी पता है सर से कि एक बार पीछे भी हुआ था तो आप थ्रोटल बॉडी क्लीन किया, मज़ा आ गया गाड़ी के अंदर। तो मुझे लग रहा है 6 महीने हो गए ना? नहीं, 1 साल हो गया, लेकिन 27 का एवरेज निकाला उसमें। फिर उसके बाद जब मैंने जब क्लीन किया तो 27 का निकाला हाईवे में। और हम क्या करते हैं थ्रोटल बॉडी क्लीन करने का प्रोसेस जानेंगे, पास में आओ जरा। ये थ्रोटल बॉडी है गाड़ी का और इसी से सारी एक्सीलेशन हार्ड होता है, जल्दी से खोलो जरा इसको। ये थ्रोटल बॉडी और इसी से सारा कहानी होती है भाई, ठीक है? तो ये है भाई थ्रोटल बॉडी का आज क्लीनिंग का प्रोसेस जानेंगे। दिखाओ जी ज़रा, बहुत किनारी पे हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक आ रहा है, बस किनारी किनारी पे, बस और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हैं, रेस देना होता है। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए हम सीवा कंपनी का, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। चलो जी, हल्का हल्का रेस इधर दिखाओ। लाओ जी वो तो। बस बस ज़्यादा दूर मत जाओ। तो भाई ये था थ्रोटल क्लीनिंग प्रोसेस, इधर आ जाओ। बस बस गाड़ी बस टाइट कर दो, अब गाड़ी हो गई बिल्कुल स्मूथ और मज़ा आ जाएगा गाड़ी के अंदर। इतना होता है थ्रोटल क्लीनिंग का प्रोसेस। इससे क्या होता है, आपका इंटेक लाइन क्लीन होता है, ये इंटेक का वाल सारा क्लीन होता चला जाता है। मतलब प्रोसेस है ये है कि ये पिस्टन के टॉपे तक भी क्लीन करता हुआ चला जाता है। ये एक तरह से फ्यूल है और ये क्लीनिंग का जरिए क्लीनिंग करता रहता है, बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी से। देखिए जैसे ये बैटरी हमारा, ये देख लीजिए, तो ये होता है, ये कार्बन कुर्बन क्लीन करने में बड़ा मज़ेदारी है। तो ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।